हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेज। मैं हूं सुनील कुमार। जैसा कि आप जानते हैं, झारखंड बोर्ड का दोनों टर्म का एग्जामिनेशन एक साथ होने वाला है। फर्स्ट टर्म का एग्जामिनेशन एमसीक्यूज होगा, जो ओएमआर सीट पर होगा, और सेकेंड टर्म का एग्जामिनेशन सब्जेक्टिव होगा। दोनों एग्जामिनेशन एक ही सिटिंग में, एक ही पाली में होगा। दोनों डेढ़ डेढ़ घंटे का एग्जामिनेशन होगा। बीच में 5 मिनट का जो क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन और पेपर लेने का जो टाइम होगा, उसके लिए 5 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम रहेगा, और 15 मिनट का क्वेश्चन पढ़ने का टाइम रहेगा। 7.5 मिनट फर्स्ट टर्म के लिए और 7.5 मिनट सेकेंड टर्म के लिए। अब यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो सेकेंड टर्म का मैथमेटिक्स का एग्जामिनेशन होने वाला है, उसका पैटर्न क्या होगा क्वेश्चन का, और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, मतलब किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे। ये मॉडल सेट के मैं बारे बात कर रहा हूँ, और संभवतः यही पैटर्न फॉलो किया जाएगा आपके फाइनल एग्जामिनेशन में। जो मॉडल सेट तैयार किया जा रहा है, उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन या क्वेश्चन का जो पैटर्न है, उसके बारे में मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो बने रहिए इस वीडियो में, और वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर हम लोग सबसे पहले कितने टाइप के क्वेश्चन मॉडल सेट में हैं। ये 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कहलाता है, और 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, और 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो 3 टाइप के क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव टर्म 2 के एग्जामिनेशन में रहेंगे। और ये जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, वो एमसीक्यू नहीं होगा, बल्कि वहाँ पर आपको लिख करके बनाना है। अब किस चैप्टर से कितने टाइप के, प्रत्येक टाइप के कितने कितने क्वेश्चन होंगे, उसके बारे में देख लीजिए। सबसे पहले अगर इंटीग्रल की बात करें, तो इंटीग्रल्स में 2 मार्क्स के 1 क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होंगे, और 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे। एक पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड होगा, और एक स्पेशल टाइप। जनरली यही आपका फाइनल एग्जामिनेशन में भी पैटर्न फॉलो किया जाएगा। स्पेशल टाइप का मतलब क्या हो गया? स्पेशल टाइप का मतलब इस तरीके का इंटीग्रल हो सकता है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए ऊपर में पी एक्स प्लस क्यू इस फॉर्म में, और नीचे जो है रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्म में हो सकता है, बी एक्स प्लस सी, या फिर हो सकता है नीचे रूट अंडर नहीं रहे। तो इस टाइप का इंटीग्रल हो सकता है। और आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका ज़्यादा सिलेबस कुछ पढ़ना नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ डिफिनेशन है, ऑर्डर डिग्री है, तो उससे सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव होगा। 2 मार्क्स का वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव नहीं बल्कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन एक रहेगा, जिसमें ऑर्डर और डिग्री आपका पूछा जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन कोई दिया हुआ रहेगा। फिर आते हैं वेक्टर अलजेब्रा में, तो वेक्टर अलजेब्रा में 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स के 1 क्वेश्चन होंगे, और 5 मार्क्स के 1 क्वेश्चन होंगे जो 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, एग्जांपल इसका मान लीजिए एक वेक्टर ए दे दिया है आपको, और एक वेक्टर बी दे दिया है, और ये 5 सवाल बना दिया जाए। जैसा मान लीजिए 2a + b निकालने दे देता है, 2a + b, फिर दूसरा दे देता है a.b, फिर तीसरा दे देता है a × b, वेक्टर a × b ऐसा हो सकता है, और चौथा हो सकता है प्रोजेक्शन दे देगा, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, और फिर यहाँ पर 5वां क्वेश्चन बन जाएगा, मान लीजिए b × a बना दिया, या फिर मान लीजिए ऐसा कर सकता है कि mod a × b, इसका मॉडुलस निकालने दे सकता है। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन जो है वो 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ रहेगा, और प्रत्येक एक एक मार्क्स का बन जाएगा। तो ये पैटर्न मॉडल सेट में है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर आगे, ये वेक्टर अलजेब्रा की मैं बात कर रहा था, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का 2 क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन 1, और 5 मार्क्स का क्वेश्चन 1 जो 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ रहेगा। 3D से आपको सिर्फ स्ट्रेट लाइन पढ़ना है, प्लेन रिड्यूस कर दिया गया सिलेबस से। तो 3D से 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन होगा, 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा, और 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से रिलेटेड होगा। 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा वो एंगल बिटवीन 2 स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड हो सकता है, उसी पैटर्न पर होगा, उसी पर बेस्ड होगा। NPP से 1 क्वेश्चन होगा जो ग्राफिकल सॉल्यूशन होगा। प्रोबेबिलिटी से 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, और इसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में आपको बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, बस एक एक्सरसाइज पढ़ना है। इसीलिए ये 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का। ग्राफिकल LPP का जो ग्राफिकल सॉल्यूशन का क्वेश्चन होगा वो 5 मार्क्स का होगा।
तो टोटल क्वेश्चन हो जाएगा ये जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन 2 मार्क्स का, टोटल 7 क्वेश्चन होगा, लेकिन आपको आंसर देना है कोई भी 5 एनी 5, ये जो 7 में से कोई भी 5 का ही जवाब देना है। अगर शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर भी टोटल आपको 7 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से ओनली 5 का ही जवाब देना है, एनी 5, इंटरनल ऑप्शन नहीं बल्कि कोई भी 5 का जवाब दे सकते हैं। अगर लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जिसमें कोई भी 3 का ही जवाब देना है। तो अगर नंबर की बात करें तो देखिए यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन का जवाब देते हैं तो 5 × 2 = 10 मार्क्स हो जाएगा। यहाँ पर आपका 5 क्वेश्चन का जवाब देंगे और प्रत्येक 3 मार्क्स का होगा तो ये 15 हो जाएगा। यहाँ पर आप 3 क्वेश्चन का जवाब देंगे और वो प्रत्येक 5 मार्क्स का होगा तो ये 15 नंबर यहाँ पर आ जाएगा। तो टोटल ये 40 मार्क्स का क्वेश्चन मैथमेटिक्स से पूछा जाएगा और यही पैटर्न लगभग आपके फाइनल एग्जामिनेशन में होने वाला है, होने की संभावना हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन होने की संभावना यही मॉडल सेट जो है इसी पैटर्न को फॉलो करके बनाया जा रहा है। तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर एक बार कमेंट करके बताएंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।